खुदा है, जमीन नहीं देता, सर्विस करता हूँ। सर्विस में तो फिक्स इनकम है, बिजनेस तो नहीं है हमारा, लेकिन परेशानियाँ बहुत थी। जैसे कि दूसरे वास्तु सरल वास्तु के पास हम गए थे, वाशिंग जो है, पहले तो उन्होंने बताया कि घर आके 500 रुपया लेंगे। हम तो किसी ने बताया इसलिए हम वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर उसका उनका जो इंस्पेक्टर आया, आ गया, उसने घर का सब नक्शा बनाया और बोला ये ऐसा है, वो ये इधर है, इसके लिए ये शांति करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। तो हम परेशानी में थे, तो सोचा चलो कल कर लेंगे। 9000 कुछ चीज़ें दी हमको, ये घर में ना तो घर लेकिन वो रखने के बावजूद भी कुछ समाधान नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होते। तो जैसे हितेश भाई ने बताया कि उनके पास एक बंदा आया था, तो उनका हमारा फैमिली रिलेशन था, तो उन्होंने बताया चलो हितेश भाई बोल के हैं, उनके पास एक गुरु जी आते हैं, उनके पास चलो, आप भी परेशान में दिखते हैं तो उधर सॉल्व हो जाएगा। तो फिर उनके थ्रू सुरेश उनका सुरेश हाँ, उनके थ्रू हम गुरु जी से मिले, गुरु जी से पहचान हो गई। तो गुरु जी ने हमारे घर आए, उन्होंने घर के हमारे जो सरल वास्तु ने बताया था वो सब दिए, बताया उनको। तो वो बोला वो तो उनका उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वर्थ क्या है, वो उनको ही पता था। तो ठीक बोला, तो ये सब चीज़ से अच्छा मैं जो गाइडलाइन देता हूँ उसको से चल। तो सर ने हमको गुरु जी ने पिरामिड्स दिए, जो पिरामिड्स में तो इनके पास से लेके गया, लेकिन वो कैसे लगाने को वही भूल गया था, यानी मैंने पूछा भी नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है शायद, मैंने लगा दिया और उससे कुछ ये ही नहीं हो रहा था, बेनिफिट ही नहीं हो रहा था। मेरा लड़की का एक प्रॉब्लम है पीछे, वो LLB की एग्ज़ाम दे रही है, सेकेंड टर्म, सेकेंड ईयर का उसका रिजल्ट लग गया, वो हुई फेल। नेट पे उसने एग्ज़ाम दिया देखा और जॉब पे जाती है, तो वो घर ही नहीं आई। मेरे मिसेस का फ़ोन आया मुझे, अरे लड़की किधर है, बोला वो तो ऑफिस गई ना। तो मिसेस ने ऑफिस में फ़ोन लगाया तो बोलता उस काम पे नहीं आई, वो काम पे नहीं आया बोले तो उसका मिसेस का मुझे फ़ोन आया, बोला काम पे नहीं तो फिर गई ना। मैंने बहुत मुझे परेशानी में इतने आ गया मैं कि बोलो क्या हो गया था इनका, ऐसा क्या हो गया। तो फिर वो इधर ऑफिस छोड़ के वो वाशी गई, वाशी में रेलवे स्टेशन में बैठी, फिर जू चौक वाशी चौपाटी गई, फिर यानी वो डिप्रेशन में गई थी, पूरी फेल हो गया, वो कभी फेल नहीं हो गई थी। ग्रेजुएशन से उसका कम्प्लीट हो गया, LLB का फर्स्ट ईयर ही हो गया, फेल नहीं हो गई थी, तो उसको एकदम झटका लगा, फेल कैसे हो गए। तो फिर वो शाम को कैसे वैसे आ गए, हमारा तो BP सबका बढ़ गया था। फिर गुरु जी ने ऐसे वो माहौल में आ गए, हाँ तो मैंने बताया ऐसा ऐसा हो गया, तो गुरु जी ने बताया पिरामिड कैसा लगाया देखो। तो पिरामिड देखा तो गुरु जी ने तो आपने उल्टा लगाया, उल्टा लगाया उसने तो नहीं बोला सही, तो सही लगा दिया। सही लगाने के बाद मैंने मिराकल जैसा हो गया कि नेट में जो रिजल्ट आया था उसका रॉन्ग आया, और बाद में जो एक्चुअल कॉलेज में जाके गई तो वो पास हो गई। नेट में भी कभी कभी गलत आता है, लेकिन वो सिचुएशन में उसने अगर डिप्रेशन में और कुछ कर लेता, मेरा आंख के काटे आ गए, एक ही लड़की है मेरे, अगर उसने कुछ ऐसा उल्टा सुलटा कुछ कर देता तो हम तो कहीं के नहीं रहते। पिरामिड सीधा करने के तो पैसे भी, हाँ तो पिरामिड सीधा करने के बाद वो रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद हमारा मेरे पास बहुत लोगों की से आना है मुझे पैसा, वो पैसा ही नहीं आ रहा था। तो गुरु जी के ये पिरामिड सीधा इनके सानिध्य में आने के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा है, आने शुरू हो गया और जो काम सामने से बोल रहे तो सामने से फ़ोन आके उन्होंने पैसा दे दिया। वैसे उसके बाद बहुत सी ऐसी घटनाएं, अभी बाद में उसका वो तो पास हो गई,
सेकेंड टर्म में उसका जो था अभी वो लास्ट ईयर में सेकेंड फोर्थ सेमिस्टर में भी वो थ्रू आउट पास हो गए सब सब्जेक्ट में पास हो गए। हाँ अच्छा मार्क्स भी मिले और पास हो गए अभी लास्ट ईयर तक मैं उसकी लड़की को जो जब तक तो मिला ही नहीं था। हाँ एक बार चेहरा देखा गया जब तक गुरु जी आते थे बहुत बार वो तो ऑफिस जाती थी या कॉलेज जाती थी उसका उसका कभी परिचय भी नहीं होता था। लेकिन मेरे मेरी गुरु जी के आने की वजह से हमारे ज़िंदगी में बोलो मैं तो उनको मतलब गुरु से भी ज़्यादा ज़्यादा उनकी मेरे दिल में उनके पास जगह है। और ये जगह पाने के लिए जैसे सुरेश जी ने मुझे मदद किया वैसे हितेश जी भी हमारे पास उनकी मदद से क्योंकि उनके पास जाने के बाद वो कभी ऐसे कंटाल नहीं दे गए कि वो मधी सर नहीं आए सर आने में टाइम लगता था ना गुरु जी तो उनके यहाँ बैठते थे हक से बैठते थे ऐसा रिलेशन हमारा कोई नहीं था डायरेक्ट लेकिन हक से बैठते थे अच्छा लगता था। और ये सब गुरु जी के हितेश जी की वजह से भी है कि उनकी मदद से और गुरु जी की मदद से हमारा बहुत कुछ मिल रहा है। अभी थोड़ी बहुत आए मिसेस की परेशानी उसका हल मैं अभी गुरु जी से ले रहा हूँ तो ये सब के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया।